आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हम सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में जान चुके हैं। आज हम सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित एक उदाहरण देखेंगे। सम चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो क्या आप चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बता सकते हैं? इस प्रश्न में केवल एक ही विकर्ण ए सी की लंबाई दी गई है। अब सवाल यह है कि दूसरे विकर्ण बी डी की लंबाई कैसे पता करें? इस स्थिति में सम चतुर्भुज के विकर्णों की विशेषताएं की सहायता ले सकते हैं। सम चतुर्भुज में विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को लंब सम द्विभाजित करते हैं। ए सी बी डी पर लंब है तथा ए ओ बराबर सी ओ और बी ओ बराबर डी ओ है। अब क्या आप ए ओ की लंबाई पता कर सकते हैं? शाबाश, ए ओ विकर्ण ए सी का आधा यानी 12 सेंटीमीटर का आधा 6 सेंटीमीटर होगी। अब क्या आप सम चतुर्भुज के परिमाप का उपयोग करते हुए भुजा का मान बता सकते हैं? क्योंकि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। सम चतुर्भुज की भुजा का माप सम चतुर्भुज के परिमाप के 1/4 के बराबर होगा जो कि 10 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए विकर्ण बी डी का मान चाहिए, परंतु ये कैसे होगा? बी डी बी ओ का 2 गुना है, अतः यदि हम किसी प्रकार बी ओ का मान पता कर लें तो बी डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि बी ओ का मान कैसे पता करें? जैसा कि हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी में ए ओ और ए बी की लंबाई पता है तथा कोण ए ओ बी का मान 90 अंश है, अतः त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय उपयोग कर सकते हैं जिसमें ए ओ और ए बी का मान प्रतिस्थापित करते हुए समीकरण हल करें। तो बी ओ का मान 8 सेंटीमीटर मिलता है। बी डी बी ओ का 2 गुना है। ओ बी का मान 8 सेंटीमीटर रखने पर विकर्ण बी डी की लंबाई 16 सेंटीमीटर मिलती है। चलिए अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों की लंबाई के गुणनफल का आधा होता है। ए सी और बी डी का मान रखते हुए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना 12 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर है। अतः सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है। आज इस वीडियो में हमने सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित उदाहरण समझा।